हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी बैक बेंचर्स कॉन्सेप्ट सो अभी तक हमने बीएमसी से जुड़े हुए ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं कोई टॉपिक बच रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा टॉपिक अब तक पहुंच जाएगा सो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सोयल मैकेनिक्स प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड इफ यू आर न्यू टू आर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द नोट्स पी डी एफ लिंक इज इन द बायो सो लेट स्टार्ट दीडियो सोइल मैकेनिक्स मतलब यहाँ हम देखने वाले हैं कि हमारी सॉइल किस तरीके से बिहेव करती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है हमारे इंजीनियरिंग पर्पजेज में वो कैसे कैसे काम आने वाली है सो so, सबसे पहले हम जानेंगे सॉइल होती क्या है फ्रेंड्स जब रॉक जो होती है रॉक वो जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस इंटीग्रेट हो जाती है मतलब जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं ठीक है ठीके? और जो एनवायरनमेंट में हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है वो मिलकर सॉइल बनाता है ठीक है अब सॉइल बनती कैसे द रीज़न बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ वैदरिंग वेदरिंग इफेक्ट जो होते हैं उनकी वजह से हमारी सॉइल बनती है अब वेदरिंग इफेक्ट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं पहला होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल सो फिज़िकल वेदरिंग क्या होती है जो विंड और ग्रेविटी या फिर कोई भी फिजिकल इफेक्ट जो होता है जिसकी वजह से सॉइल बन रही है उसे हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं जिससे हमें सैंड और ग्रेवल जैसी सॉइल मिलती है नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल वेदरिंग केमिकल वेदरिंग क्या होती है कि कोई भी केमिकल एक्टिविटी जैसे एसिड रेन हो गई एल्कलीस प्रेजेंस हो गई वाटर में या एयर में ओके सो so, वो होती है केमिकल वेदरिंग इस वे इस, इस टाइप की वैदरिंग से हमें क्ले टाइप की सॉइल मिलती है अब हम देखने वाले हैं कुछ सॉइल डिपॉजिट मतलब सॉइल जो जिस तरीके से सॉइल बनती है जो आती है हमारे पास ठीक है वो कैसी कैसी सॉइल होती है रेजिड्यूल सॉइल हो गई ट्रांसपोर्टेड हो गई ओके एलवेल हो गई लकस्ट्राइन हो गई मरीन एलिन ग्लेशियल कोलवियल ओके सो देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में काफ़ी बार इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं जो मतलब कि टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक ही बार बताऊँगा आसानी से याद हो जाएगी सिंपल कीवर्ड्स बताऊंगा बताऊँगा ठीक है याद रखना रेजिड्यूल सॉइल रेजिड्यूल मतलब रेजिडेंस घर मतलब जहाँ पर फॉर्म हुई वहीं रह जाती है लोकेटेड एट द लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेड सोइल ये फॉर्म लोकेशन से ट्रांसपोर्ट होकर किसी नई लोकेशन पर आ जाती है ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दी दरेंट लोकेशन टू अ न्यू लोकेशन नेक्स्ट आती है हमारे पास एलिविल डिपॉजिट एलिवल डिपॉजिट क्या होती है एलिवेल का मतलब हम समझ ले कि रिवर तो रिप डिपॉजिटेड बाय द रिवर मतलब रिवर से हमें ये मिलती है लेक स्ट्राइन अब लेक्राइन है तो लेक स्ट्रेन से आप ये समझ लो लेक्स ठीक है अब जो सॉइल हमें लेक से मिलती है उसे हम कहते हैं लेकस्ट्राइन स्ट्राइन सॉइल अगला हमारे पास आता है मरीन साइल अब सब मरीन के बारे में सुना होगा कहाँ चलती है समुद्र में चलती है ठीक है सो सी वाटर से मिलने वाली सॉइल मरीन सॉइल कहलाती है अगला आता है एवोलियन सॉइल एओलियन सॉइल एओलियन से हम समझ सकते हैं कि एयर तो एयर से जो हमें सॉइल मिलती है वो सॉइल कौन सी हो गई एओलियन साइल अगला आता है ग्लेशियल डिपॉजिट ग्लेशियल से समझ लीजिए ग्लेशियर तो ग्लेशियर्स से जो हमें सॉइल मिलती है वो ग्लेशियर्स सो, ग्लेशियल सॉइल ग्लेशियर ग्लेशियल में हमारे पास एग्जाम्पल आता है ड्रिफ्ट सॉइल ठीक है अगला आता है कॉलोवियल कॉलोवियल का मतलब है ग्रेविटी से सो तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि कई बार जो पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ से जो आ, मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आकर इकट्ठे हो जाते हैं तो उस इकट्ठे हुए पार्टिकल से जो हमें सॉइल मिलती है उसे हम कोलवियल सॉइल कहते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सोइल फेज डाइग्राम अब इसे समझने के लिए हम एक सोयल मास लेते हैं ठीक है ये हमारे पास एक सोयल मास है इसके अंदर दो चीज़ें होती है एक तो होता है सॉलिड पार्टिकल ये जो एक सिंगल पार्टिकल है इसे कहते हैं हम सॉलिड पार्टिकल और एक होता है सोइल मार अब ये पूरा सॉइल मास ठीक है अब डिफरेंस क्या होता है सॉइल और सॉलिड में सॉलिड हमारे पास सॉइल का एक सिंगल पार्टिकल होता है जिसमें ना ही वॉइड्स होते हैं और ना ही इसे कंप्रेस किया जा सकता है मतलब इसकी डेंसिटी को चेंज नहीं किया जा सकता है और सॉइल जो होती है वो सॉलिड से मिलकर बनती होती है मतलब सॉलिड्स के बहुत सारे पार्ट्स मिलकर सॉइल को बनाते हैं जिसमें वॉइड्स भी होते हैं और इसे कंप्रेस भी किया जा सकता है मतलब इसकी डेंसिटी भी बदली जा सकती है अब सॉइल इज इक्वल टू सॉलिड प्लस वॉइड। सॉइल वही होगी जिसमें वॉइड्स होंगे विदाउट वॉइड्स के सॉइल होगी ही नहीं सो so, अब आते हैं हम फेज डाइग्राम पे हमारे पास दो फेज बन सकते हैं थ्री फेज और टू फेज टू फेज में जब हम आते हैं तो इसमें हमारे पास देखिए सबसे पहले टू फेज में हम ये देखते हैं टू फेज़ में हमारे पास यहाँ पे क्या है सिर्फ एयर और सॉलिड अब एक पार्ट में सॉलिड है और एक पार्ट में एयर तो यहाँ पे सिर्फ दो फेज़ हो गए इसे हम कह सकते हैं फुल्ली ड्राइड सॉइल अगला हम देखें अगर तो ये आती है हमारे पास सॉलिड और सिर्फ वाटर से भरी हुई तो ये हो गई हमारे पास फुल्ली सैचुरेटेड सॉयल अब इसमें देखें तो यहाँ पे कुछ ये लिखे हुए हैं वी डब्ल्यू ए क्या है ये वी से तो हम डिनोट कर रहे हैं वॉल्यूम को और डब्ल्यू से हम डिनोट करने वाले हैं वेट को तो वी यहाँ से हम देखें स्टार्ट करते हैं सॉलिड और एयर वाले से सो वी ए जो होता है वो है वॉल्यूम ऑफ एयर अब सिर्फ एयर है तो टोटल वॉल्यूम हो गया वी वी होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड वी एस होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डब्ल्यू एस होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और डब्ल्यू ए होता है वेट ऑफ सॉरी डब्ल्यू एस होता है वेट ऑफ सॉलिड और डब्ल्यू ए है वेट ऑफ एयर एयर का कोई वेट नहीं होता तो यहाँ पे वेट ऑफ एयर कितना है जीरो और ये हो गया टोटल वेट और ये हो गया टोटल वॉल्यूम सेम वही है वॉल्यूम ऑफ वर्ड क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर क्योंकि सिर्फ वाटर ही है और वी एस हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेट ऑफ सॉलिड वेट ऑफ वाटर और ये टोटल वॉल्यूम वो, हो गया और ये टोटल वेट हो गया नाव हम थ्री फेज डायग्राम देखेंगे इसी का ये दोनों है टू के टू फेज डायग्राम के एग्जाम्पल अब हम इसका थ्री फेज डायग्राम थ्री फेज डायग्राम में क्या होता है हमारी जो सॉइल है उसमें तीन चीज़ें मिक्स होती है सॉलिड वाटर और एयर अब एयर में वॉल्यूम है वी ए वॉटर में वॉल्यूम है वीडब्ल्यू सॉलिड में वॉल्यूम है वी एस एयर और वाटर मिल के वर्ड्स में ही होंगी एयर और वाटर वॉइड्स में ही होंगी तो वी वी हो गया volume ये टोटल वॉल्यूम अब एयर का वेट कितना होगा जीरो ये कितना हो गया वेट ऑफ वाटर डब्ल्यू डब्ल्यू सॉलिड का वेट ऑफ सॉलिड और ये टोटल वॉल्यूम इसे हम कहेंगे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल अब इसमें एक चीज दिखाऊं मैं आपको जो फुल्ली ड्राइड सॉइल होती है उसमें सेचुरेशन की वैल्यू होती है जीरो फुल्ली सैचुरेट में होती है वन और जो पार्शली सैचुरेट होती है उसकी ज़ीरो से ज़्यादा और एक से कम हमारी होती है अब थ्री फेज़ में होती है सॉइल वाटर एयर टू फेज में होती है ड्राई सॉयल मतलब सॉइल और एयर और फुल्ली में होती है सॉलिड प्लस वाटर ठीक है अब हम देखने वाले हैं कुछ सॉइल वाटर रिलेशनशिप जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आने वाला हूं सो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर देखें सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसके अंदर वॉर्ड रेशो वर्ड रेशो क्या होता है वर्ड रेशो होता है हमारे पास सॉलिड में कितने वर्ड्स प्रेजेंट हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड ये रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी वी अपॉन वी एस नेक्स्ट आता है पोरोसिटी पोरोसिटी याद करने का सिंपल सा तरीका है सब कुछ इसमें वी होता है एन से रिप्रेजेंट करते हैं एन टू वी वी अपॉन वी एन या नीटा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम अब हमारे पास यहाँ पर दो यहाँ पर रिलेशन आ जाती है वर्ड रेशो और Porosity में अब वोइड पोर का एक फॉर्मूला होता है ई इज टू अपॉन अभी क्या है कंफ्यूजन हो जाता है कि माइनस किस में आएगा इन दोनों फॉर्मूलाज में से तो सिंपल सा याद रखो जिसमें एन आ रहा है इज e इक्वल में N से नेगेटिव मान लो तो एन अपॉन वन माइनस एन हो जाएगा थर्ड हमारे पास आता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब है कि कितनी जगह हमारे पास अवेलेबल थी और उसमें कितना पानी आ गया तो मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में मतलब जगह कितनी थी और वॉल्यूम ऑफ वाटर की हमारे पास वाटर उसमें कितना आया सो so, वो हो गई डिग्री ऑफ सेचुरेशन फुल्ली सैचरेटेड अगर हमारे पास होगी सोइल तो ऐसे जीरो टू वन ड्राई होगी एस इक्स टू जीरो और पार्शियल होगी तो जीरो टू वन अगर हमसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू पूछे तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन टू ज़ीरो से लेकर इक्वल और लेस देन टू वन होती है ठीक है अब आता है हमारे पास चौथा एयर कंटेंट ए एयर कंटेंट भी सेम ही होता है कितनी जगह अवेलेबल है और उसमें कितनी एयर हमारे पास आई वी ए वी, वी अब हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन आता है ए सी प्लस एस इज इक्वल्स टू तो वन ए सी प्लस एस ये इसका सॉल्यूशन है एयर कंटेंट का फॉर्मूला प्लस सिचुएशन का फॉर्मूला तो उससे हमारे पास वन आ गया नेक्स्ट आता है परसेंटेज एयर वो इसे हम एन से शो करते हैं एन ए इज टू वी ए अपॉन वी वी हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ एयर और वी हमारे पास है टोटल वॉल्यूम मतलब कि कितनी एयर प्रेजेंट है टोटल वॉल्यूम में मतलब जो हमारे पास सॉइल सैंपल है सॉइल मास है उसके अंदर कितनी हमारे पास एयर प्रेजेंट है वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला है अगला आता है वाटर कंटेंट वाटर कंटेंट और जो वॉइड रेशो होता है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है उसमें ये बात ध्यान रखना जो वॉल्यूम होता है उसका डिफरेंस आता है अब वो वॉइड रेशो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इसे हम कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट अब ड्राई सॉइल के ज़ीरो परसेंट होता है और मैक्सिमम जाता है ये हंड्रेड परसेंट तक ठीक है अब आती है अपने पास ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी याद ही हमको यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर और यूनिट वेट सिंपल से समझने की कोई जरूरत नहीं ज़्यादा इसमें वो नहीं है कोई बड़ी भारी बात नहीं unit weight पार 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 है यूनिट वेट हमारे पास होता है वेट अपॉन वॉल्यूम ठीक है तो ये हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर नेक्स्ट आती है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बल्क यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर या फिर सेचुरेटेड यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर अब जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी वैल्यू इन ऑर्गेनिक सॉइल के लिए टू पॉइंट टू टू होती है और जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है उसके लिए वन पॉइंट टू टू होती है नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं बल्क यूनिट वेट पढ़ेंगे बल्क यूनिट वेट होता है टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ अपॉन वी, ड्राई यूनिट वेट होता है ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम डब्लू एच अपॉन वी सेचुरेटेड यूनिट वेट होता है सेचुरेटेड होगा तो दोनों चीजें मिक्स ही होगी सॉलिड भी होगा वाटर भी होगा तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम समर्ज यूनिट वेट सम्मर्ज यूनिट वेट होता है गा, आ, गामा, डब्ल्यू मतलब यूनिट वेट ऑफ सेचुएटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिंपल वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड में ध्यान रखना एक तो बल्क यूनिट वेट होता है और एक यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है इसमें सॉलिड होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर में भी वही है डब्ल्यू गाम डब्ल्यू डब्ल्यू अपन वी डब्ल्यू सेम ही है अब एक ही एक डिसेंडिंग uh, ऑर्डर है यूनिट वेट्स का सबसे पहले सबसे ज्यादा इंटरेट होता है सॉलिड्स का उसके बाद सैचुरेटेड फिर बल्क फिर ड्राई एंड देन समस्ट का अभी ये यहाँ पे कुछ रिलेशन है डिफरेंट दिफरें, डिफरेंट ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है मतलब तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है अब न्यूमेरिकल जो मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही मतलब जीरो लेवल से कराने वाला हूँ अगर किसी को भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है कभी सॉल्व ही नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा किसी भी तरीके से आप मतलब नहीं भी आते ना तो भी आप इजीली कर लोगे कोई सा भी न्यूमेरिकल कर दोगे फिर ठीक है तो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टर्म्स अब पहला आता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस ई एन इज इक्वल्स टू वन ई अपॉन वन प्लस ई ये बताया भाई ये वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन वन प्लस स्मॉल डब्ल्यू है ऊपर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है स्मॉल डब्ल्यूटर वाटर कैपिटल डब्ल्यू होता है वेट ओके okay? सो एस ई इज इक्वस टू डब्ल्यू जी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशनशिप है तो अगर ये याद नहीं होती है सीधी सी बात है क्रिकेटर नाम याद होगा एक सहवाग नाम करके उसके नाम से याद कर लेना एस सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी सहवाग तो एस सी एस है हमारे पास सेचरेटेड और सॉरी सैचुरेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन ई हमारे पास वर्ड रेशो है डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाटर कंटेंट है कैपिटल जी है ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी नेक्स्ट आता है गामा टी मतलब कि ये हो गया बल्क यूनिट वेट गामा टी बल्क यूनिट वेट वो गामा बी या गामा टी से शो करते हैं जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई अब इससे तीन फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे अब एस की वैल्यू आ रही है ना तो एस की वैल्यू तीन तरीके से वेरी करती है एक तो यह फुल्ली एक आ गया कि हम कोई भी एक पार्सली सैचुरेटेड सोइल है तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है एक अगर ड्राई सोइल है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो तो गामा डी क्या हो जाएगा है ना एस की वैल्यू जीरो हो गई तो ई e एस की वैल्यू खत्म ही हो गई तो जी गामा डब्ल्यू ओपन वन प्लस ई अब ट्वेल्थ वाले फॉर्मूले में देखो अगर फुल्ली सैचुरेटेड है तो गामा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा एस की वैल्यू वन हो जाएगा तो जी प्लस ई हो जाएगी हमारे पास ये वाला ये ठीक है तो गामा सैचुरेटेड की वैल्यू हो जाएगी जी प्लस ई वन प्लस ई एन टू गामा डब्ल्यू सेवन पर हम आते हैं तो सेवन्थ है गामा डी वन प्लस वन माइनस एन ए एन ए होता है हमारे पास एयर कंटेंट परसेंटेज एयर कंटेंट इन टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी डब्ल्यू वही वाटर कंटेंट जी स्पेसिफिक ग्रेविटी एन ए परसेंटेज एयर कंटेंट गामा डी ड्राई यूनिट वेट गामा होता है बल्किब्ल्यू गामा समा सेचुटेड माइनस गामा डब्ल्यू एन एज इक्व टू एन ए सी ए सी इज इक्वन माइनस ए सी या फिर ए सी प्लस एज इक्वल टू So, ये टर्म्स हैं याद कर लेना नेक्स्ट वीडियो में बहुत काम आने वाली है तो so, फ्रेंड्स ये एक शॉर्ट ट्रिक थी जो मैं बता चुका हूँ आपको फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको कोई भी डाउट हो या सजेशन देना हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए डो नॉट फोरगेट टू हिट लाइक एंड शेयर ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल सी इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स कीप लर्निंग कीप सपोर्ट